हदीस काफ़ी तवील है, लेकिन हम उसको देखेंगे सही बुखारी की रिवायत है, सही मुस्लिम में भी आती, मुत्तफ़क़ अलैह, ताकि हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने। आई हदीस इस तरह से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बनी इसराइल में तीन लोग थे, एक कोड़ी, एक गंजा जिसको बाल नहीं थे, और एक अंधा जिसको आंख नहीं थी। तीनों को अल्लाह ने एक एक नेमत छीन ली थी। अल्लाह ताला ने उनको आजमाना चाहा, चलो आजमा के देखते हैं क्या करते हैं जब इनको हम नेमतें देते हैं। जो मैंने ऊपर कहा ना, शुक्र ना सिर्फ अभी जो नेमत है उसको बाकी रखेगा, आने वाली नई नेमतों का बायस बनेगा, और नाशुक्री आज की नेमतों को भी जवाल में डालेंगी, कल की दुनिया खराब होंगी, आखिरत भी खराब होंगी। तो अल्लाह ने सोचा इनको आजमाते हैं, एक फरिश्ता भेजा। सबसे पहले फरिश्ता कोड़ी के पास आया, कोड़ी एक जिसकी जिल खराब थी, एक जिसके बाल नहीं थे, और एक जो है जो अंधा था, तो वो जिसकी जिल खराब थी उसके पास आया और कहा तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा मुझे क्या चाहिए होगा, बस अच्छी जिल्द, खूबसूरत जैसे लोगों की होती है, चूंकि कोड़ से क्या होता है इतने वाइटमेंट हो जाते हैं एक्स्ट्रा की, आदमी परेशान हो जाता है, जैसे लोगों की खूबसूरत जिल्द होती है, अगर मुझे मिल जाए तो बस यही काफ़ी। फरिश्ते ने कहा और कुछ दुनिया के अंदर तुझे कौन सा जो माल पसंद है। तो उसने कहा कि मुझे जो है ऊँटों का माल पसंद है। तो उसको एक ऊँटनी दे दी जो हामिला थी, वो चला गया लेके, उसका जिस्म अच्छा हो गया, बीमारी खत्म, ऊँटनी वो भी हामिला, उसने बच्चे दी, इतने ऊँट हो गए, इतने ऊँट हो गए उसके कि दो पहाड़ों के बीच में फुल, इतना मालदार हो गया। ये तो उस फरिश्ते ने बरकत की दुआ देकर गया उसको। उसके बाद फरिश्ता गंजे के पास पहुंचा, इसको बाल नहीं थे, जाकर कहा क्या चाहिए तुझे। तो उसने कहा और क्या चाहिए, मुझे बालों की नेमत चाहिए ताकि लोगों के जैसा दिखो। कहा दिया, अता कर दिया तुझे। और तुझे माल में क्या पसंद है दुनिया के। तो कहा गाय बड़ी पसंद है। तो कहा ठीक है, एक हामिला गाय दे दी, बरकत की दुआ दे दी। वो गाय इतनी बड़ी, हदीस में आता है कि दो पहाड़ों के बीच में होगी, मतलब दो माउंटेन्स होते ना, मतलब इतनी जमीन जायदाद होती ना, दो लोगों के पहाड़ है उनकी खेतों के अंदर, दो पहाड़ों के, खूब जमीन जायदाद भी और गायें भी। उसके बाद तीसरे के पास गया जो अंधा था, उससे कहा तुझे क्या चाहिए। तो अंधे ने कहा क्या चाहिए, दुनिया देखना चाहता हूँ, और क्या है, इससे ज्यादा और क्या नेमत होंगी। उसको फरिश्ते ने दुआ की, उसको आंखें आ गई, कहा और क्या चाहिए। तो क्या तुझे माल में क्या पसंद, कहा बकरियां, ठीक बकरियां दे दे, इसकी बकरियां भी खूब बढ़ गई दोनों पहाड़ों के बीच। अब अल्लाह ने फिर उस फरिश्ते को एक जमाने दराज बाद भेजा, जबकि लोग भी भूल गए इनके हाल क्या थे, और ये खुद भी मस्त हो गए, और नाशुक्री में, शुक्र में नहीं, नाशुक्री में। फरिश्ता आया, गरीब बनकर आया, और कहा मुझे कुछ दे दो, एक ऊँट दे दो सफर के लिए। किसके पास आया वो पहले, वो कोड़ी के पास आया, एक ऊँट दे दो सफर के लिए, मैं बहुत परेशान हाल हूँ। तो वो कहता नहीं नहीं ये सब मैं नहीं दे सकता, बहुत मेहनत से कमाया मैंने ये सब चीज़ें। उसने कहा क्या तुम कोड़ी नहीं थे, अल्लाह ने तुमको शफा दी। हाँ कोई कोड़वोड़ नहीं, ये तो बाप दादाओं से आने वाली जायदाद है मेरी, ये ऊँट ऊँट सब मेरे और मेहनत का नतीजा है, और कोड़वोड़ कुछ भी नहीं था, मुझे ऐसा कोई हकीकत नहीं थी ऐसी। तो उस फरिश्ते ने कहा, जब उसने ये कहा कि मुझे कोई कोड़वोड़ नहीं था, मैं तो अच्छा इंसान था, उसने कहा कि अल्लाह तुझे उसी हालत पर ले जाए, मैं बदवा देता हूँ तुझे जिस हालत पर तू पहले था, मैं आजमाइश था तेरे लिए, अल्लाह ने मुझे भेजा था कि तुझे आजमाऊँ, मैंने तुझे ऊँट देकर गया था एक ऊँटनी, और अब आजमाइश में तू नाकाम रहा, और उसने बद्दुआ दी, अल्लाह ताला ने उसको वापस कोड़ दे दिया और उसके पूरे जानवर छीन लिए। इसने क्या गलती की थी, एक एक अल्लाह की हम्द सना शुक्र बजाने लाया, दो दो अपनी हालत का इतराफ नहीं किया ना, मैं थोड़ी कोड़ी था, कौन बोला आपको। अब कोई आए समझ लीजिए कि आदमी के पास अल्लाह ने बहुत दिया माशाल्लाह, क्या जमाना था तुम्हें, एक बात गाँव में काम, फालतू बातें मत करो, बाप दादा ना निजाम के दौर में फला थे, ये थे जागीरदार फला फला। अरे यार कल तो तुम खेतों में जो बटे क्या क्या काम करते थे हम, अरे कुछ नहीं खानदानी हमारा फला है। आपने एतराफ नहीं किया कि हाँ मैं ऐसे ही था, अल्लाह ने मुझे यहाँ पहुंचा दिया, अरे कल तक तो हम जो गोबर उठाते थे जानवरों का, आज अल्लाह ने देखो काम पहुंचा। एतराफ करना चाहिए अल्लाह की नेमतों कभी भी कि हाँ ऐसे ही थे हम, सही बात, आज अल्लाह ने यहाँ पहुंचा दिया, उसमें कोई वो नहीं। हाँ वाकई में हम बहुत गरीब थे, बहुत मांग कर खा हमने, लेकिन आज अल्लाह ने यहाँ पहुंचा दिया, एतराफ नहीं किया। अरे बाप दादा की हदीस में अल्फाज, उसने कहा ये सब कुछ बाप दादा से और मेरी मेहनत से है, मतलब मैं कभी कोड़ी वोड़ी कुछ था ही नहीं, सब कुछ ऐसी था फिट एकदम सब। तो फरिश्ते ने कहा अगर तूने झूठ बोला है तो तुझे तेरी पहली हालत पर अल्लाह ताला लौटा दे। फिर वो गंजे के पास चला गया, गंजे के पास गया और बिल्कुल वही स्टोरी रिपीट किया, मैं परेशान हाल हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, कुछ मुझे दो, कुछ माल दो, कुछ रुपया दो, कुछ पैसा दो, एक गाय दे दो, तुमको अल्लाह ने इतना दिया, तुम तो गंजे थे ना पहले, अल्लाह ने नेमत दी। तो हाँ वो गंजा वंजा नहीं, ये हसीन बाल तो मेरे पहले से है। से क्या बोल रहा है, ये बाल तो मेरे पहले से, मैं को गंजा वंजा नहीं था, ठीक है, और ये मेरी मेहनत की कमाई है गाय। उसने कहा मैं तुझे बदवा देता हूँ, अल्लाह तुझे उसी हालत पे कर दे जिस हालत पर तू पहले था।
गई उसकी गाय और बाल फिर चले गए गंजा हो गए। उसके बाद तीसरे के पास गया, जाकर कहा कि मुझे कोई हेल्प करो, तो एक बकरी तो भी दे दो, क्या तुम अंधे नहीं थे, अल्लाह ने तुमको आंखें दी। तो अंधे ने कहा हाँ तुमने सच कहा, मैं अंधा था, अल्लाह ने मुझे आंखें अता की है, ये अल्लाह का फजल है, और तुम्हारी हालत भी कुछ मेरी जैसी दिख रही, तुम भी परेशान हाल हो, लो जो बकरी तुमको बकरियों में चाहिए लेके चल जाओ, इसलिए कि मेरी भी हालत तुम्हारे जैसी किसी जमाने में हुआ करती थी। तो उस फरिश्ते ने, चूंकि इसने शुक्र अदा किया ना अल्लाह का, एक तो कहा हाँ मैं अंधा था, ये नेमत मेरे पास नहीं थी, ये फिर बकरियां वगैरह सब अल्लाह का फजल है, जो कुछ चाहता है सो ले लो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। फरिश्ते ने कहा मैं मोहताज नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, अपनी बकरी अपने पास ही रखो, अल्लाह ताला ने तुम तीन आदमियों को आजमाया था, अल्लाह तुझसे जो खुश हो गया, मतलब अल्लाह तुझसे खुश हो गया है, और तेरे जो है दोनों साथियों को अल्लाह ने कोड़ी को कोड़ दे दिया, गंजे को फिर गंजा कर दिया, और उनसे नाराज़ हो गया।